हेलो, वेलकम टू द होम स्टॉप। सर्दियों के मौसम में सभी के घर में एक रेसिपी ज़रूर बनती है और वो है गाजर का हलवा। तो आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। गाजर हलवा बनाने के लिए ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं लगते हैं। हमें चाहिए 2 कप ग्रेटेड गाजर। मेरे गाजर ऑरेंज है, इसलिए हलवा को रेड कलर देने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून ग्रेटेड बीटरूट भी लिया है। फिर हमें चाहिए 3/4 कप शुगर, 1/2 कप मिल्क। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। मैंने बादाम, काजू, किशमिश और पिस्ता कट कर लिए हैं। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप वो ले सकते हैं। अब हमें चाहिए मलाई। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून मलाई ली है। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप खोया भी यूज़ कर सकते हो। 1 टीस्पून इलायची पाउडर और 1 टेबल स्पून देसी घी। तो हलवा बनाने के लिए हमें एक पैन को गरम करना है। गरम होने के बाद हम पैन में ये ग्रेटेड गाजर डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद हमें इसे 5 से 6 मिनट तक ढक के पकाना है ताकि हमारा गाजर दूध में अच्छे से पक जाए। गाजर दूध में पकाने की वजह से उसमें बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। अब हम पैन में लीड लगा के इसे 5 से 6 मिनट तक पका लेंगे। पाँच मिनट हो गए हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा गाजर आधे से ज़्यादा पक चुका है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। आप चीनी की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद हमारा हलवा थोड़ा मॉइस्ट होगा, ये थोड़ा पानी छोड़ेगा। तो अब हम इसमें मलाई डाल के इसे और 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे। मलाई डालने की वजह से हलवे का स्वाद बढ़ता है और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है। अब हम पैन को ढक के हलवे को 5 से 6 मिनट तक पका लेंगे। पाँच मिनट हो गए हैं और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। घी आखिरी में डालने की वजह से हलवे का स्वाद और टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा खुल जाता है और स्वाद बहुत ही बढ़ता है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हलवे में कभी भी एंड में अगर आप घी डालेंगे तो हलवा बहुत ही टेस्टी लगता है। हमारा हलवा अब ऑलमोस्ट तैयार है। हम अब इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और इसे 2 से 3 मिनट कर वापस ढककर पकने देंगे। हलवा अब रेडी है। तो हम इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें हलवे में थोड़ा सा मॉइस्चर रखना है, इसे पूरी तरह से ड्राई नहीं करना है। मॉइस्चर के वजह से हलवा टेस्ट में बहुत ही यमी और डिलीशियस लगता है। हमारा हलवा अब रेडी है। हम इसे एक प्लेट में सर्व करके इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे।
आप ये रेसिपी घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए ईट हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। गुड बाय।